तो जी हाँ दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता, माइक्रोफंगी द मशरूम एक्सपर्ट, आसनसोल पश्चिम बंगाल से आपका दोस्त, होस्ट और इसका कार्यक्रम का संचालक। आज हम बात करेंगे मशरूम उत्पादन कक्ष या घर कैसे बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप घर जहां पर आप बनाते हैं, सबसे पहला विशेष ध्यान देना है कि वो जगह साफ़ सुथरा हो, जैसे कि वहां पे कोई केमिकल का फैक्ट्री ना हो, किसी प्रकार के केमिकल द्वारा धुआं या गैस वहां पर उसके आबो हवा में ना तैरती हो, ना बहती हो, आसखा पे पानी नहीं जमता हो, इसका विशेष ध्यान देना है। किसी पत्थर का फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, हवा में पत्थर का डस्ट नहीं उड़ना चाहिए, कि आपका जो जगह है इस तरीका का होना चाहिए। हाँ, साइड में अगर कोई छायादार जगह है, जैसे आप कोई पेड़ वगैरह है उसके बीचों बीच में आपको अच्छा खासा एक जगह मिल जा रहा है, कम से कम 10x10 का एक रूम होना चाहिए और उसको आप बड़ा कर करके 1200 स्क्वायर फीट का बना सकते हैं, 20x60 फुट इस तरीका का एक घर, आराम से नॉर्मल जो घर होता है ऑयस्टर मशरूम के लिए। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑयस्टर मशरूम, ढिंगड़ी कुंभी ऑयस्टर मशरूम के बारे में हम लोग बात करें कि उसके उत्पादन कक्ष कैसे बनाना है। तो ये चीज़ का पहले आपको विशेष ध्यान देना है। और दूसरा सबसे मेन पॉइंट है 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट पे आपको मुख्य तौर पे ध्यान देना है। वो 5 पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर की जानकारी होनी चाहिए कि आपका जो रूम है और आप जो उससे प्रोडक्शन लेंगे, जो भी आप वैरायटी यूज़ करेंगे उसमें, और उसमें हीट सहन करने का और आपके रूम में ठंडापन बरकरार रखने का क्षमता क्या है, ये सब कैलकुलेशन आपको पहले करना पड़ेगा घर बनाने के पहले। दूसरा मुख्य पॉइंट है, आपको ह्यूमिडिटी पे ध्यान देना है, नमीपन, आर्द्रता, मॉइस्ट। तीसरा नंबर हो गया फ्रेश एयर का एंट्री, यानी ऑक्सीजन का एंट्री, अंदर से गर्म हवा और या तो CO2 का निकासी, कैसे उसको अंदर से उसको निकालना है। और पांचवा नंबर हो गया लाइट। ये 5 मुख्य पॉइंट पे आपको ध्यान देना है जब आप घर बनाएंगे। तो आइए दोस्तों विस्तार में जानते हैं कि ये 5 पॉइंट पे कैसे हम लोग ध्यान देंगे और कैसे इसको काम में लेकर के आएंगे। हम लोग बात करते हैं मशरूम के घर के बनावट के बारे में। बनावट के बारे में किस किस चीज़ पर ध्यान देने के विषय में डिटेल डिस्कशन से पहले हम लोग बात करते हैं कि मशरूम का जो घर है उसका मटेरियल क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आम तौर पे अगर आप ठंडा में कर रहे हैं तो कोई भी छायादार जगह काम करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ड्रॉप रहता है ठंडा के समय। लेकिन गर्मी के समय में जो है, अगर आप जैसे तैसे, अगर आपका जो रूफ है, जो मशरूम का जो आप रूम बनाते हैं उसका जो ऊपर का जो भाग है, उस भाग को आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आमतौर पे गांव में जैसे घर बनते हैं मट्टी और टाली का प्लेट होता है, टाली जिसको कहते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग भाषा में उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मट्टी और टाली का रूम जो है वो सबसे बेहतर होता है। उसके बाद में आप ऐसा जगह पर भी घर बना सकते हैं जहां आसपास में पेड़ पौधा है, पेड़ है, बड़ा बड़ा लंबा लंबा पेड़ है, जिससे कि आपके रूम को छाया भी मिलेगा और ठंडापन भी मिलेगा। ऐसे जगह पर भी आप बना सकते हैं। मट्टी का चाली, पुआल, भूसा, ये सब देकर करके ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्लास्टिक से कवर नहीं कीजिएगा तो बारिश के मौसम में जो भी आप ऊपर में दे रखा है अपने बिचाली, भूसा, पुआल, वो सड़ जाएगा तो वहाँ से इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। इसीलिए आपको ऊपर में
जो है आपको प्लास्टिक से, प्लास्टिक शीट से कवर करना पड़ेगा, टर्पोलिन, तिरपाल, जो भी आप बोलते हैं उससे आपको कवर करना पड़ेगा वो जगह को, जिससे कि वो जो आपका भूसा वगैरह जो है वो ऊपर टॉप में जो आपने दे रखा है अपने रूम के, वो जैसे ना सड़े। कंक्रीट का भी रूम चल सकता है, बांस के पत्ती का चटाई बनता है, बांस को पतला पतला काट कर करके उसको चटाई के रूप में बनाया जाता है, तो उसका भी घर काम कर सकता है, ये सब चीज पे काम कर सकता है। मेनली है कि ऐसा जगह हो जहाँ पे नमीपन ज़्यादा होना चाहिए और छायादार होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। दोस्तों, रूम बनाने से पहले मशरूम का जो आप फार्म बनाएंगे उसमें आपको कुछ विशेष विशेष जगहों का ध्यान देना पड़ेगा, जो डिपार्टमेंट होता है अलग अलग। जैसे पहला तो आपका हो गया ग्रोइंग रूम, दूसरा हो गया स्पॉनिंग एरिया, जहाँ पे आप बैग बनाएंगे, जहाँ पे आप बिचाली या पुआल या भूसा जो भी है उसका आप शोधन करेंगे, वो एक एरिया हो गया। जहाँ पे आप पानी का ड्रेनेज करेंगे, जैसे पुआल भूसा जो आपने शोधन किया उसको फिर उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पानी को बाहर निकालने के लिए, झाड़ने के लिए पुआल से, उसको आपको छाया में रखना पड़ेगा, तो उसका एक व्यवस्था होना चाहिए। फिर आप जो बिचाली पुआल भूसा रखेंगे, कच्चा रूम स्टॉक उसका करने का एक रूम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका अच्छा पुआल भूसा बिचाली आपको ना मिले, तो आपको एक सीजन का, आपको एक साइकिल का अपना स्टॉक करने का भी जगह होना चाहिए, इससे काम को ज़्यादा स्पीड मिलता है। फिर माल तोड़ कर के पैकिंग करने का एक जगह होना चाहिए, जहाँ पे आप माल तोड़ेंगे रूम से तोड़ करके ले करके आएंगे, उसके बाद उसका पैकिंग करेंगे, उसका एक जगह होना चाहिए। और बाकी एक छोटा सा रूम होना चाहिए जहाँ पर आप अपना जो मटेरियल है, दूसरा दवा वगैरह और भी जो छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, सीड्स है स्पॉन रूम का, वो सब रखने की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा आप एक छोटा सा फार्म बना सकते हैं जिसमें लगभग आपका 3-3.5 हज़ार स्क्वायर फीट एरिया रहने से एक स्टैंडर्ड फार्म 1000 किलो प्रोडक्शन का खड़ा हो सकता है, सब सहूलियत के साथ। और जब आप रूम बनाएंगे तो रूम में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि रूम का जो फ्लोर है वो कच्चा ना हो। अगर मिट्टी का फ्लोर होगा तो आपको बारिश के मौसम में वहाँ से फूट कर के अंदर से कीड़े मकौड़े, पिल्लू, तरह तरह के इंसेक्ट्स, जर्म्स, वो सब बाहर आने की कोशिश करेंगे। और अगर वो वहाँ से बाहर आते हैं और उनको एक मौका मिलता है पौष्टिक खाना पे अटैक करने का, वार करने का, तो वो लोग मशरूम के ऊपर अटैक करेंगे और उससे इन्फेक्शन फैल कर के आपका प्रोडक्शन ख़राब हो सकता है, बीमारियाँ हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। और मशरूम में जो बीमारी इन्फेक्शन होता है अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो स्प्रेड करने का भी, फैलने का भी बहुत चांस रहता है और बहुत जल्दी फैलता है, तो उससे आपको लॉस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो साफ़ सफाई पर और क्वालिटी पर, हर चीज़ का क्वालिटी, आपका रॉ मटेरियल का क्वालिटी और आपका वर्क का क्वालिटी, आपका अपने काम के प्रति विश्वास, अपने काम के प्रति निछावर होना, डेलिकेटेड होना, हमेशा तात्पर्य रहना, हमेशा एक पांव पे खड़ा रहना अपने मशरूम के काम के लिए, ये सब चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में साफ सफाई का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका रूम जैसे मिट्टी का रूम है, चीनी, ब्लीचिंग पाउडर, आपका चूना और सीमेंट, इन सबों का एक मिश्रण, हल्का पतला घोल बनाकर, ज़्यादा पतला नहीं, हल्का मोटा होना चाहिए, क्या है, उसका घोल बनाकर आप उसको पूरा रूम के फ्लोर में उसको फैला सकते हैं और कुछ ही देर में वो सूख करके बहुत ही मजबूत फ्लोर बन जाएगा, जिससे एक तो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह है तो उससे जो भी कीड़ा मकोड़ा होगा उसके अंदर वो सब मर जाएगा, और दूसरा जो है चीनी और आपका चूना, ये दोनों मिलने से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, लाइम और कार्बन, ठीक है, और साथ में सीमेंट भी रहेगा, तो आपका फ्लोर जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और नीचे प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्लोर में गोबर वगैरह से लिपा लापी ना करें, वो सब करने से इन्फेक्शन हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। और
रूम में फटाफट किसी को प्रवेश ना करने दें, कोई आया बाहर से उसको फट से रूम के अंदर ले गए, ये सब ना करें। खुद को साफ रखें, अगर माथा में आप तेल लगा के रखे हैं, हेड कवर पहन के रखें, क्योंकि आपके माथा से भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह अंदर जा सकता है। रूम के अंदर में धूम्रपान, अगरबत्ती, किसी प्रकार का धुआं वगैरह का प्रयोग ना करें। रूम जब आप तैयार कर लिया आपने, देखिए ऑयस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, इन दोनों का एक ही रूम में काम हो सकता है, लेकिन आप बटन मशरूम के लिए आपको अलग तरीका का घर बनाना पड़ेगा, उसको थैच हाउस कहते हैं, जो पूरा तरीका से पैक रहता है और जिसको CO2 कार्बन बहुत ज़्यादा चाहिए। और ये सब जो वैरायटी है आपका पैडी स्ट्रॉ मशरूम, मिल्की मशरूम, ऑयस्टर मशरूम खास तौर पे, ये सब बिगनर लोगों का मशरूम है, मतलब जो शुरुआत करना चाहते हैं मशरूम की बिजनेस को, मशरूम के लाइन में आना चाहते हैं, तो कम पूंजी ज़्यादा लाभ, कम समय, कम रॉ मटेरियल, कम परिश्रम में, ये सब बिगनर का मशरूम ऑयस्टर है, बहुत इजी टू ग्रो मशरूम है। लेकिन इसका भी कुछ मापदंड है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अच्छा प्रोडक्शन लेना चाहते हैं। तो रूम के बाहर में, जो भी रूम है उसके बाहर में एक फूड बाथ, एक ट्रे में फॉर्मलिन या ब्लीचिंग पाउडर या पोटासियम पर मैग्नेट, ये तीनों का 5 ग्राम 10 ग्राम का मिश्रण पानी में मिला करके उसमें ये डाल के रखने के लिए, जिससे कि जो भी व्यक्ति रूम के अंदर घुसता है, ग्रोइंग रूम के अंदर, वो अपना चप्पल स्लीपर जो भी है उसको उसमें डुबा कर के रूम के अंदर घुसे, और अपने काम के लिए अलग से स्लीपर रखिए, इसका यूज़ अपना सिर्फ मशरूम का, जब आप काम कर रहे हैं एरिया में, वॉक कर रहे हैं एरिया के अंदर में, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो स्लीपर आप यूज़ कीजिए। कपड़ा आपका फटा हो चलेगा, लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। जब भी आप मशरूम को टच करें या मशरूम का कोई भी काम करें, तो साफ सफाई का पूरा ध्यान दें, हाथ हमेशा धो करके काम करें। आपके नाखून में हाथ में जो नाखून है, नाखून ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे भी इन्फेक्शन होने का चांस होता है। काम करते वक्त प्लास्टिक जो बैग है, स्पॉनिंग बैग, जिसमें आप भूसा और बीज भरते हैं, उसका भी फटने का चांस हो सकता है, तो नाखून नहीं होना चाहिए। जिनको अपना ये नाखून वगैरह थोड़ा सेंसिटिव है हाथ, ठीक है, तो वो लोग ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हैं। साफ सफाई का आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा। और अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है 5 पॉइंट। पहला है टेम्परेचर इस तरीका से मेंटेन करके रखना है कि टेम्परेचर हमेशा 30 डिग्री से नीचे रहना चाहिए, हमेशा 30 डिग्री से नीचे रहना चाहिए। तो उसके लिए आप रूम में कूलर लगा सकते हैं, बाहर में आप जूट का जो बैग होता है उसको घेर करके चारों पट्टी लगा करके उसमें पानी मार करके रख सकते हैं। जब भी उसमें पानी मारिए तो थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर पर लीटर में 5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर या 5 ml फॉर्मलिन मिक्स कर करके वो पानी का इस्तेमाल कीजिए, जिससे कि आपका किसी प्रकार का फफूंदी या मोल्ड्स वगैरह जो आ जाते हैं पानी जमने से, आपने देखा होगा, वो सब आने का चांसेस नहीं रहता है, और जो भी हवा वहाँ से पास करेगा वो अंदर ठंडा हवा लेकर के जाएगा, तो रूम का टेम्परेचर ठंडा रहेगा। आप रूम में एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, एयर गर्मी के वक्त में आप एयर कूलर भी लगा सकते हैं, ये सब छोटे छोटे सामान हैं। ह्यूमिडिटी फॉगर मशीन भी आता है, 6 लीटर का, मेरे ख्याल से 10,000 रुपये का, और बड़ा वाला जो है वो आपका 1,000 स्क्वायर फीट का रूम को आराम से हमेशा मॉइस्ट करता रहेगा 95% मैक्सिमम। तो ये सब इक्विपमेंट आपको लेना पड़ेगा। तो आपको टेम्परेचर का ध्यान देना है कि टेम्परेचर जो है इस रूम में आप मिल्की और ऑयस्टर आराम से कर सकते हैं और पैडी भी कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात और, जब भी आप रूम बनाएं तो हमेशा ध्यान दें कि रूम का जो हाइट है, आपका जो सीलिंग का हाइट है, वो 12 फीट प्लस होना चाहिए। 12 फीट प्लस होने से क्या फ़ायदा होगा कि हीट जो है, अगर आप उसको 12 फीट प्लस में ब्लॉक कर देते हैं तो उसका पावर ख़त्म हो जाता है, नीचे जो है उसको वो उतरने में बहुत प्रयास करना पड़ता है और उतना गर्मी नहीं उतर पाता हीट। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि 12 फीट प्लस का आपका सीलिंग हो आपका रूम का,
चाहे आप उसको एंगल शेप में बना रहे हो या उसको फ्लैट है आपका, जैसा भी है, लेकिन ये ध्यान देना है कि हाइट जो है, सेंटर हाइट आपका रूम का जो है वो 12 फीट प्लस होना चाहिए, इस चीज का ध्यान देना है। तो टेम्परेचर आप इस तरीका से मेंटेन कर सकते हैं, वो ठंडा पानी मार के बाहर में जूट का जो बोरी आता है उसको जो पूरा खोल लेने के बाद उसको पार्ट पार्ट ज्वाइन कर करके एक लंबा पार्ट बना करके उसको पूरा अपना रूम के अनुसार उसको घेर के उसमें पानी मारने का, इससे आपका टेम्परेचर डाउन रहेगा। दूसरा है ह्यूमिडिटी, नमीपन दो तरीका का हमें मेंटेन करना है, एक रूम का और एक जो है सिलेंडर के अंदर का। सिलेंडर के अंदर का जो है वो मुख्य है, क्योंकि वो सही से अगर मेंटेन नहीं हुआ, वहाँ का ह्यूमिडिटी कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन में, ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है। और मशरूम में कभी भी पानी पेड़ पौधों के जैसा नहीं दिया जाता है, मशरूम के बैग में पानी स्प्रे इसलिए किया जाता है कि उसका जो ह्यूमिडिटी लेवल है बैग के अंदर का वो बना रहे, और स्पॉन रन के समय में एक अलग ह्यूमिडिटी रहता है, 85 से 95 के बीच रहने से बहुत अच्छा होगा। और स्पॉन रन ख़त्म होकर करके जब माइसिलिया डेवलप कर जाता है बैग में वो 18 दिन के बाद, तो उस वक्त में ह्यूमिडिटी दूसरा चाहिए, 82-85। तो इसको आपको मेंटेन करके रखना है, बैग के अंदर जो ह्यूमिडिटी है 70% 70-75 जो है वो बहुत अच्छा रेशियो होता है, 70-75%। और मान लीजिए अगर बैग का पानी अगर 55% से कम हो गया मॉइस्ट, तो आपका जो बैग का जो प्रोडक्शन है वो मार खा जाएगा। इन सब चीज़ों को बैलेंस करना है। तो ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी के लिए आप जब नमीपन पानी रूम में हल्का हल्का आप स्प्रे करते हो तो नमीपन आपको बरकरार करके रखना है। फ्लोर वगैरह जो है आप उसको बोरी वगैरह डाल करके जूट का उसको भिगा कर करके आप रख सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई भी जूट की बोरी वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं रूम को ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए, तो उसमें हमेशा ब्लीचिंग पाउडर या तो पोटासियम परमैंगनेट या तो फॉर्मलिन डाल कर करके ही पानी का घोल उस बोरी में डालिएगा, उससे उसमें मोल्ड वगैरह किसी प्रकार का इन्फेक्शन, फंगस मोल्ड, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब आने का खतरा ना के बराबर रहता है। तीसरा पॉइंट है शुद्ध हवा का प्रवेश। तो शुद्ध हवा का प्रवेश के लिए आप आपके रूम में क्रॉस विंडो होना चाहिए, अच्छा रहेगा। विंडो में हमेशा नेट लगा करके रखिए, नायलॉन का नेट मिलता है 10-15 रुपये स्क्वायर मीटर का, स्क्वायर फीट है मेरे ख्याल से, फीट या मीटर ऐसी कुछ है, जो भी है सस्ता ही है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए। कहीं पर भी अगर आप के रूम में खिड़की वगैरह है, ऊपर में वेंटिलेटर है, तो सब में फ्रेम कर कर करके नायलॉन का नेट जरूर लगाइए, उससे आपका बाहर से किसी प्रकार का इंसेक्ट्स, जम्स, कीड़ा मकोड़ा, किसी प्रकार का दूसरा कुछ भी पंछी या कोई जानवर है, कुछ भी एक्स वाई जेड, ये सब आने का खतरा कम रहता है, इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है। रूम में जब स्पॉन रन कंप्लीट हो जाता है 18 दिन के बाद बैग में एक स्क्वायर इंच का कटिंग कर करके पानी स्प्रे करना पड़ता है 18 दिन के बाद से, उससे पहले नहीं, उससे पहले वो अंधेरा में ही रहेगा, जुला हुआ रहेगा, अंधेरा में ही रहेगा। जब आप पानी स्प्रे कीजिएगा उस टाइम में ऑक्सीजन उसको चाहिए, तभी वो पानी यूटिलाइज कर पाएगा। तो उसके लिए आपको दरवाज़ा खिड़की हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, और आपको उसके लिए रूम में हाइग्रोमीटर लगाना पड़ेगा। डिजिटल ना लगाएं, डिजिटल में अगर पानी पड़ेगा तो ख़राब हो सकता है, मैनुअल लें, जो एक बार लीजिएगा तो अगर ना टूटेगा तो 20 साल चलेगा। तो मैनुअल हाइग्रोमीटर लें, एक तरफ आपको टेम्परेचर बताएगा, दूसरा तरफ ह्यूमिडिटी बताएगा रूम का, और जब भी आप लगाइएगा तो उसके 3 घंटे के बाद में जो रीडिंग देता है वही ओरिजिनल रीडिंग होता है, संग संग रीडिंग नहीं दे पाता है। तो आपका ह्यूमिडिटी हो गया, उसके बाद में तीसरा नंबर ऑक्सीजन हो गया, हमेशा उसको मेंटेन करके रखना है। चौथा हो गया CO2 हाई नहीं होना चाहिए, प्लस जो अंदर में गर्म हवा जो बन रहा है, जो मशरूम लोग काम कर करके जो गर्म हवा छोड़ रहे हैं, उसका बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए, उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए या फिर एग्जॉस्ट फैन आप यूज़ कीजिए। क्योंकि रूम में अगर गर्म हवा जो है वो हल्का होता ऊपर उठने लगता है,
वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर का रास्ता ब्लॉक करते करते, एरिया ब्लॉक करते करते ज़मीन भी ब्लॉक कर देगा। आप तो देख नहीं पाइएगा लेकिन रूम में फ्रेश एयर इंटर नहीं करेगा, उस वक्त में प्रॉब्लम अराइज होना चालू हो जाएगा, प्रॉब्लम शुरू होना चालू हो जाएगा, आपका ये बीमारी लग जाएगा, वो बीमारी लग जाएगा। तो हमेशा CO2 गर्म हवा का निकासी का जगह, निकलने का जगह होना चाहिए, वेंटिलेटर ये सब, और वेंटिलेटर में भी आप नेट लगा करके रखें। ये चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा पॉइंट हो गया ठंडा लाइट। मशरूमों को चांद का लाइट, मून का लाइट बहुत पसंद है, हल्का ब्लू कलर का। तो CLF बल्ब, LED बल्ब, ट्यूब लाइट, ये सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 200 लक्स होना चाहिए, मतलब इतना रोशनी होना चाहिए कि आप आराम से रूम में किसी भी जगह पे खड़ा होकर कर करके छोटे छोटे अक्षर जो छपे रहते हैं न्यूज़पेपर में, खबर कागज में, समाचार पत्र में, उसको आप आराम से पढ़ सके। तो इन 5 चीज़ों के साथ में सफाई का आपको ध्यान रखना है। रूम में माल लगाने से पहले, जो भी कक्षा बनाएंगे रूम में माल लगाने से पहले, उसका शोधन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेस्टिसाइड्स जैसे नुभान है, डूम है, से 10 ml 1 लीटर पानी में घोल कर करके रूम का दरवाज़ा खिड़की बंद कर करके पूरा चारों तरफ रूम में स्प्रे कीजिए। जब स्प्रे करते वक्त माथा में कपड़ा, नाक में कपड़ा बांध करके स्प्रे कीजिए, क्योंकि केमिकल है। स्प्रे करने के बाद में दरवाज़ा खिड़की बंद कर दीजिए 24 घंटा के लिए, फिर उसके बाद में 24 घंटा के लिए खोल के रखिए, उसके बाद में माल लगाइएगा। और आपके रूम में अगर दीवार वगैरह है, अगर बांस का भी दीवार वगैरह भी है, जैसा भी दीवार है, साल में एक बार सीजन का एंड में, मतलब मार्च अप्रैल में, पूरा रूम का वाइट वाश जरूर कीजिए, ब्लीचिंग पाउडर, चूना और नुभान मिक्स कर कर करके उसको कोचाड़ा के रूप में, जैसे घर में, घर वगैरह में पेंटिंग होता था पुराना ज़माना में चूना का, उस तरीका का पेंटिंग आप अपना रूम में साल में एक बार ज़रूर करें। तो दोस्तों यही सब बात का ध्यान देना है आपको, जब आप मशरूम का बिजनेस शुरू करें और उसका जो कक्ष बनाएं किस तरीका का हो, और उसका आसपास का सराउंडिंग आपका पूरा फार्म का कैसा होना चाहिए। आशा है दोस्तों आपको लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा आगे का जो प्रोग्राम है सब आपको समय समय पर उसका सूचना मिलता रहे और आप उससे ज्ञान प्राप्त करते रहें मशरूम के खेती और बिजनेस के संबंध में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी आशा के साथ आप सबों से विदाई लेता हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।